गुजरात के सूरत में बने डायमंड बोर्स का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। इस मौके पर तमाम लोग मौजूद रहे। वहीं इसको लेकर शरद पवार ने उन पर निशाना साधा है। पवार ने कहा कि जो लोग आज सत्ता में हैं, उनमें देश के बारे में सोचने की शक्ति नहीं है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में एक सभा के दौरान पवार जमकर पीएम पर बरसे। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि प्रधानमंत्री सूरत में डायमंड बिजनेस का उद्घाटन करने जा रहे हैं। पहले हीरो का कारोबार मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में होता था। इसकी वजह से लाखों लोगों को रोजगार मिला था, लेकिन इस व्यापार को गुजरात ले जाया गया, जिससे महाराष्ट्र के स्थानीय लोगों का काम छीन लिया गया, वो बेरोजगार हो गए। पवार ने कहा कि आज जिनके हाथों में सत्ता है, वो देश की चिंता नहीं करते हैं, बल्कि वो सूरत जाएंगे और वहाँ डायमंड बोर्स का उद्घाटन करेंगे। पवार ने कहा कि जब वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में हीरो के व्यापार को शुरू करने का फैसला किया था। पवार ने कहा कि उन्होंने बीकेसी में हीरा व्यापार के लिए 1 रुपए में भी जमीन दी थी, इससे वहां के लोगों को रोजगार मिला था। एनसीपी चीफ ने आगे कहा कि आज देश के प्रधानमंत्री को महाराष्ट्र की कोई चिंता, वो इस बात का ज्यादा ख्याल रखते हैं कि किस तरह से महाराष्ट्र की परियोजनाओं को गुजरात सूरत ले जाया जाए। उन्होंने कहा कि जिस शख्स को देश की चिंता नहीं, उसके हाथ में आज देश की सत्ता है। उधर इस मामले पर शिवसेना उद्धव गुट के सांसद ने भी प्रधानमंत्री पर जमकर हमला बोला है। संजय राउत ने कहा कि देश का नहीं बल्कि सारा विकास एक ही राज्य का किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूरे देश से रोजगार छीनकर एक राज्य में ले जाया जा रहा है। राउत ने सवाल करते हुए कहा कि क्या देश में गुजरात के अलावा कोई और राज्य नहीं है। आपको बता दें कि गुजरात के सूरत में दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। इस कॉम्प्लेक्स का नाम डायमंड बोर्स है, जिसे 68 लाख वर्ग फुट में बनाया गया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।